अभी अभी की बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, 2 लाख पदों की भर्ती जल्द होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, खुशखबरी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार एलआलसी आरडीसी यूपीडीसी पीआरडी बीसीडी और जेई बीटीएससी जेई का इन पदों के लिए नियुक्ति हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, बिहार में एलआरसी आरसीडी और यूडीएसडी और बीटीएससी जेई का जो जैसा कि आप देख सकते हैं चुनाव से पहले होगी 2 लाख की नियुक्ति, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबके लिए खुशखबरी है। मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बताऊंगा क्या है, आप इस वीडियो को लगातार बने रहिए और देखते रहिए। हाँ, एक चीज और कहूंगा कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसलिए कि यहाँ पर आपको नई खबरें और नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या बेनिफिट होगा और बिहार वालों को क्या फायदा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि चुनाव से पहले होगी 2 लाख की नियुक्ति, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या क्या खबर है, शिक्षा विभाग में 1,25,000 30,000 निकल के आ रही है, पुलिस महाकमा में, स्वास्थ्य विभाग में 25,000 की है और नगर निगम विभाग में 9,000 की नौकरी आ रही है, विज्ञापन और सौद्योगिक विभाग में 3,000 का है और पंचायती राज विभाग में 5,000 की है और ग्रामीण कार्य विकास विभाग में 1,500 की है और इसके बाद निर्माण विभाग में 1,000 है और पर्यावरण और एवं वन विभाग में यहां पर आपको 15,000 के आसपास यहां पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि इसमें क्या लिखा गया और क्या हमें मिल रहा है, बिहार वालों को क्या मिलेगा, कि क्या एक जुमला हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं सब कुछ बताने वाला हूं, बने रहिए वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पटना से एक खबर निकल के सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव के अधिसूचना से पहले करीब 2 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, सरकार में जाने वाली नौकरियों को नियमित के अलावा बड़ी संख्या में संविदा और मानव देव वाले पद को शामिल है, स्कूल में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की, जबकि विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के 9,000 पदों के अलावा अन्य श्रेणी में करीब 6,000 पदों की नियुक्ति होनी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस महकमे में विभिन्न श्रेणियों में 30,000 पदों की नियुक्तियों का होना है, इसमें से 15,000 पद को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं शेष 15,000 के लिए शुरू करने की तैयारी है, इसमें से करीब 5,000 दरोगा एवं सिपाही पद पे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सिपाही की चयन प्रक्रिया 13,000 से अधिक पदों के अगस्त तक नियुक्तियां पूरी करने के पहल तेज कर दी गई है, करीब 12,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियां हैं। नगर विकास आवास विभाग के शासन से लेकर नगर निगम की नौकरियां और मुंडकों के करीब 9,000 पदों के लिए 2 महीने के भीतर आवेदन मांगे जाने की पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के 5,000 पदों के नियुक्ति होनी है। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं कई विभागों में रिक्त सूचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार तकनीकी कर्मचारियों के चयन आयोग को भेज दी है। डॉक्टर और इंजीनियरी जैसे विभिन्न श्रेणी में कई ऐसे पद हैं जिनमें सीधे अंकों के आधार पर भरे जाने वाले, सरकार ने ऐसे पदों की प्राथमिकता के लिए आधार पर भरने का निर्णय लिया है। और बता दें कि सरकारी अस्पतालों में 6,477 डॉक्टरों और 9,571 एक ग्रेड नर्सों की नियुक्ति होनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी पॉइंट है, जैसा कि बीटीएससी नर्स की मैं हमेशा अक्सर बात करता हूं तो आप देखिए 9,571 एक ग्रेड नर्सों की नियुक्ति होनी है। जैसा कि सुशील कुमार मोदी जी ने भी डिप्टी सीएम ने बताया है कि 2 महीने के अंदर नियुक्त कर लिया जाएगा, जैसा कि आप खबर में देख सकते हैं एसटीजी इस खबर को भी पुष्टि किया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, पथ
निर्माण विभाग में सहायक अभी 400 और अभिव्यक्तियों के छह माह तक 100 पदों को शीघ्र ही नियुक्त होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आपने सिलसिलेवार ढंग से देख लिया होगा कि चुनाव से पहले होगी 2 लाख की नियुक्तियां। ये देखिएगा जो खबर है, शिक्षा विभाग में 1,25,000 है, पुलिस महकमा में 30,000 है, स्वास्थ्य विभाग में आपको देखने को 25,000 है, नगर विकास निगम में 9,000 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 3,000 है, पंचायती विभाग में 5,000 है, ग्रामीण कार्य विभाग में 1,500 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपको सामने निकल के आ रही है अब निर्माण विभाग में 1,000 है और पर्यावरण विभाग में भी 15,000 के आसपास है, ये चीजें निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आपने देखा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही निकल के सामने आ रही है, तो आप लोग खुश हो जाइए। लेकिन ये भी है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार ऐसी चीजें इलेक्शन समय से पहले कुछ जुमला भी देती है कि लोग वोट दे इसको देखकर। बहरहाल जो भी है, लेकिन अगर ये नतीजे में कन्वर्ट हो जाता है तो बिहार वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। अगर आपको खुशी बनती है तो इस पर तो एक तो लाइक बनता है, आज लाइक कर दो, अपने फ्रेंड को शेयर कर दो। सरकार के पास भी पता ही है कि बिहार में रोजगार का कमी है, तो इस समय जो आपको नौकरियों की सौगात दी जा रही है एक बहुत अच्छी पहल सामने निकाल के सरकार की तरफ से आ गई है। तो इस वक्त का यही न्यूज था, आपको वीडियो कैसी लगी आप अपने बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो वक्त हो गया है विदा लेने का, देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।